पुलिस की गिरफ्त में लुटेरे। अतरैला पुलिस ने 24 घंटे में किया अंधे लूट डकैती का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के बरदहा घाटे में बदमाशों का तांडव मचा हुआ है। आधे घंटे में 3 बाइक रोक कर 7 लोगों को लूट लिया बदमाशों ने। अतरैला पुलिस के द्वारा इस मामले में 24 घंटे के अंदर अंधी लूट डकैती का खुलासा किया गया, जिसके बाद अब देखना दिलचस्प है आगे इन बदमाशों पर क्या कार्रवाई होती है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। इसमें अपने बरदहा घाटी में आए दिन लूट डकैती की सूचना मिलती थी। इसी क्रम में 21 तारीख को फरियादी मोहम्मद सादिर, अपनी चौखंडी के रहने वाले हैं, यह आकर के सूचना दी है कि मैं मोटरसाइकिल से अपने 2 साथियों के साथ रीवा से घर आ रहा था, तो करीब 9 बजे के आसपास इनकी गाड़ी रोक कर इनको लूटा गया। इनसे मोबाइल पैसे लेकर मारपीट की गई। इनके अलावा 2 मोटरसाइकिल सवार और क्रमशः आए, उनके साथ भी यही वारदात की गई और उनके भी मोबाइल पैसे लूट डकैती डाल करके ले लिए, उनके साथ मारपीट किए। ऐसी बड़ी घटना होने से तत्काल मैंने परिषद अधिकारियों को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया कि ऐसी घटना हुई है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी एक्शन में आए, तत्काल टीम बनवाए और निर्देश दिए। मामले के संदेहियों को तलाश करने के लिए तमाम टीमें गई और जिस टीम में मैं गया, मुझे जानकारी मिली कि मेरे 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप से बैठे हैं और आपस में बंटवारा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उनको घेर कर पकड़ा गया और पूछताछ की कर उनसे पूरा खुलासा कर लिया गया। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि मेरे 6 लोग मिलकर के और उसमें घटना में एक मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया। वो मोटरसाइकिल वो पटेहरा में जो भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसकी मोटरसाइकिल बताई गई है। इसी क्रम में अपन ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं, और इनके पजेशन से मोबाइल और पैसे भी जब्त किए गए हैं। कुछ आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी लूटी सामग्री थी तो अपन ने बरामद कर लिया है। इसमें अपन 3 मोबाइल मिले हैं और नकदी इनका 6,000 रुपये मिला है, इसे जो बरामद हुआ है, और आधार कार्ड पैन कार्ड मिले हैं। और 2 आरोपी जो गिरफ्तार नहीं हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, अधिशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें धारा डकैती की है 395, 397 और अपना थाना डकैती क्षेत्र घोषित है तो 11/13 ADA अलग से ही लग जाती है। इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।